उत्तराखंड से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और असम तक इस वक्त हाहाकार मचाया हुआ है। उत्तराखंड के 9 जिलों पर आज भारी संकट है, वहां बहुत तेज बारिश हो सकती है, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां के जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोनों ही राज्यों में बारिश ने अपना डरावना रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धस रही हैं और नदियां इस वक्त उफान पर है। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक जैसे हालात आपको इन चारों ही राज्यों में नजर आएंगे, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर नदियों का जलस्तर पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि कई जगहों पर सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आ रही है, पहाड़ के दरकने की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में लोगों पर दोहरी मुसीबत आन पड़ी है। तो लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद कैसे हालात बन गए। देखिए कैसे ये सड़कें धस रही हैं, अचानक पानी में समा जाती है सड़कें। सोचिए इस पर अगर कोई चल रहा होता इस वक्त, यहाँ कोई मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, लेकिन लगातार भारी बारिश की वजह से किस तरह के हालात बने हुए हैं, यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बीच सड़क पर ये इस तरह से नदी की धारा बहती हुई जा रही है। लगातार बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। तमाम नदियां उफान पर है और उसी का असर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ अचानक ये सड़क जो है वो धस जाती है और यहाँ पर नदी की धारा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तमाम लोग यहाँ मौजूद जरूर हैं। और देखिए इस बीच उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी भारी बारिश हुई है कि वहां पर एक पुल ढेर हो गया है, धस गया है। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला ये पुल लोगों के लिए एक तरीके से लाइफ लाइन था, मगर पुल के टूटने से गाड़ियां फंस गई हैं, पूरी तरह ट्रैफिक ठप पड़ चुका है। बारिश में ये पुल बह गया और ये एक मेजर लाइफलाइन था, दो हिस्सों को जोड़ने का काम ये पुल किया करता था, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ये चंद मिनटों में ये पूरा पुल जो है वो धस गया। और यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरीके से ठप पड़ चुकी है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं, क्योंकि ये एक अहम मार्ग था। आपको बताएं कि अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला ये पुल दरअसल लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करता था और इसके टूटने से अब लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से तस्वीरें आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भारी मुसीबत है क्योंकि 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो जरा आप तस्वीरें देखिए कि लोगों की मुसीबतें कैसे बढ़ी हुई है। ये जो पुल है वो एक लाइफलाइन का काम करता था, दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए ये एकमात्र ऐसा रास्ता था जिसका इस्तेमाल लोग करते थे, लेकिन तमाम नदियां नाले सभी इस वक्त उफान पर हैं और यही वजह है कि पुल जो है वो चंद मिनटों के अंदर धराशायी न सिर्फ होता है बल्कि उसका नामो निशान नहीं दिखता, कैसे ये पानी में पूरा पुल बह के निकल गया। और इसकी वजह से लोगों को जो मुसीबतें उठानी पड़ रही है वो तो है, क्योंकि दोनों तरफ लोग फंस चुके हैं। अब अगली खबर है नैनीताल से, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नैनीताल में चप्पे चप्पे पर खतरा मंडरा रहा है। बारिश की वजह से वहां तराई के इलाके तो पानी पानी है ही, पहाड़ भी अब टूटने लगे हैं, दरकने लगे हैं। नैनीताल से सामने आए इस तस्वीर को देखिए जरा, यहां नजर आया कि एक पहाड़ बारिश की मार नहीं झेल पाया और दरक गया। उत्तराखंड के नैनीताल से जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं घूमने के लिए, लेकिन बारिश में किस तरीके के हालात वहां हो जाते हैं इसे भी देखिए, खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार एक तो भारी बारिश हो रही है, ऐसे में कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए, कौन सी पहाड़ी कब दरक जाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। और यही तस्वीरें जो है वो बता रही है, बारिश की वजह से पहाड़ जो है वो दरकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, यानी आज उत्तराखंड की अग्नि परीक्षा होने वाली है, इसलिए राज्य सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। सीएम धामी ने इन जिलों के जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम धामी की तरफ से तमाम जो ये 9 जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश जारी किया गया है कि वो अलर्ट पर रहे, क्योंकि अग्नि परीक्षा के समान है आज का दिन उत्तराखंड के इन 9 जिलों के लिए, जहां पर रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी बहुत भारी बारिश,
इन तमाम जिलों में हो सकती है और इसके लिए राज्य सरकार तत्पर है। चारधाम यात्रा भी फिलहाल रोक दी गई है क्योंकि तमाम जो नदियां हैं उफान पर हैं और खतरा मंडरा रहा है उत्तराखंड के ऊपर। ऐसे में आज लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और उसके साथ ही प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। वो तमाम जिले जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है उनके नाम भी आपको दिखा रहे हैं हम, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चमोली, पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इसके अलावा टिहरी, हरिद्वार और चमोली। ये तस्वीरें आप यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए आप ये नाम देख पा रहे होंगे जहां पर रेड अलर्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा भारी बारिश इन तमाम जगहों पर तमाम जिलों में हो सकती है। और ऐसे में जब पहले से ही हम देख रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, नदियों का जलस्तर बढ़ के खतरे के निशान को पार कर चुका है, पहाड़ दरक रहे हैं, ऐसे में ये जो 9 जिले हैं उन पर बहुत ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। और तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा देते हैं कैसे पहाड़ दरक रहे हैं और उसकी वजह से रास्ते बंद हो जा रहे हैं। रास्ता बंद होने का सीधा मतलब है कि जो लोग हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। नैनीताल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि नैनीताल टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन खतरा अभी बहुत ज्यादा है। नैनीताल से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है जहाँ अचानक से पहाड़ दरकने की ये जो तस्वीर है वो सामने आती है। आप देखें इसमें ये पेड़ के साथ साथ ये जो पहाड़ का ये हिस्सा है वो सड़क के पास यहाँ गिरता हुआ दिखाई देता है और रूट पूरा इसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। अभी और भारी बारिश होगी, ऐसे में हालात बद से बदतर हो सकते हैं और इसीलिए उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के प्रशासन को और भी ज्यादा तत्पर रहने की जरूरत है। नैनीताल की फिलहाल ये तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चंद सेकेंड के अंदर आप देखिए पलक झपकते ही पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिरता है, अपने साथ पेड़ को भी नीचे लेकर यहाँ पर गिरता है। अब सोचिए यहाँ पर इस वक्त अगर कोई जा रहा हो तो उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश पर भी बारिश के काले बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। यहाँ के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब इन जिलों के नाम आपको बताते हैं, गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इसके अलावा इटावा, देवरिया और सीतापुर, साथ ही हरदोई, बाराबंकी जैसे शहरों में बारिश की आशंका जाहिर की गई है। यानी उत्तर प्रदेश के भी ऐसे 20 जिले जहां भारी बारिश से लेकर मध्यम बारिश तक हो सकती है, अलर्ट यहां के लिए भी जारी किया गया है। लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं कि नदियां जो बह रही हैं उनका जलस्तर खतरे के निशान को छू चुका है, उफान पर है तमाम नदियां और भारी बारिश अगर अभी ऐसे ही होती रहेगी तो ये और भी विकराल रूप ले सकता है।